दोस्तों आज एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं इस ट्रैक्टर की। ये ट्रैक्टर है 744 XT, 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है 2022 का, मतलब जनवरी से लेकर है और आज अप्रैल चल रही, अप्रैल के मिड तक हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर है 744 XT। और ये जो भाई ने खरीद रखा है ये स्वराज का 744 XT 5-स्टार मॉडल है, पावर स्टीयरिंग के साथ में आता था जो ट्रैक्टर, और बिल्कुल नया है, सर्विस होने आया था, 63 घंटे चल रहा मात्र। अब ये दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखो दोस्तों 63 घंटे मात्र चला अभी तक ट्रैक्टर, ये फुल सर्विस पर आ रहा। और कुछ भाई ये बोल रहे हैं जैसे ही मैं किसी भी ट्रैक्टर का यहाँ पर ओनरशिप रिव्यू करता हूँ कि भाई ये तो ट्रैक्टर खुल गया था, ये था, एक बार अच्छी तरह चेक कर लो आप भी सारे, क्योंकि फिर कोई भाई ये ना कहे कि भाई ट्रैक्टर कहीं से खुल रहा है बंद रहा, सर्विस होने आया था, ओनर साथ में है। ये रखी बाल्टी और तेल वेल चेंज किया सारा, और मात्र एक महीना होया, मतलब पूरा एग्जैक्ट आज एक महीना हो गया सर, 5 तारीख है, 5 मार्च में गया था, 14/9/28 के पिछले टायर के साथ भाई ने ले रखा। किस काम पर चलाते हैं, कैसा ट्रैक्टर है, क्योंकि इसका हल्ला बहुत है मार्केट के अंदर। 2022 में ये कंपनी 3rd-4th नंबर पर थी 2021 स्टार्टिंग के अंदर, और 2021 एंड तक ये 2nd नंबर पर पहुँच गई थी सेल के अंदर, इंडिया मार्केट की अगर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर भी 744 XT ही सबसे ज़्यादा बिक रहा फिलहाल के टाइम में, मतलब 855 तो इनका हाईएस्ट ब्रांड है, उसके नाम पे ही मतलब स्वराज की कंपनी बहुत ज़्यादा नाम कमाती है। उसके बाद में 744 उसको भी काट चुका ट्रैक्टर, 855 को भी, उससे भी ज़्यादा मतलब जो सेल है वो 744 XT की है। तो एक बार शौकीन भाई का ट्रैक्टर है, सर्विस पाए थे, उनसे बात करते हैं। शौकीन भाई ये सर्विस आपकी पहली है, पहली सर्विस करवा रहे होंगे इसकी? पहली सर्विस है जी आज। तो पहली सर्विस तो कंपनी बोलती है 50 घंटे में कराने के लिए, आप क्या होगा 63 घंटे फिलहाल? आज 63 घंटा होगा, ट्रैक्टर गया हुआ था बाहर। अच्छा, और आज टाइम लगा। अच्छा, आज लाए जी ट्रैक्टर को। अच्छा देखो, सारे के सारे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मतलब जैसे ट्रैक्टर सभी कंपनी के अच्छे हैं जी, और ये ट्रैक्टर आपने 744 XT लिया जी, क्या सोच समझ के लिया कि मतलब 744 XT लेना, ये क्या था मतलब माइंड सेट, आप कैसे ले लिया आपने, इतना पैसा लगा दिया जी? 5-स्टार है वो, और क्या नाम ले रहे हैं, 855 का इसमें हिस्सा दे दे पिछले वाला। हाँ जी, और तेल का एवरेज भी बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर का, खेच भी बहुत बढ़िया है भाई। एक बात बताओ मार्केट के अंदर आज के टाइम में जापान के भी ट्रैक्टर है रे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी आ रही, और मतलब महिंद्रा तो नंबर वन है ही पहले से ही, तो उन पर ना जाकर इस ट्रैक्टर पर जाने का मतलब, स्वराज तो एक मतलब हमारे देश की कंपनी है, नॉर्मल सी कंपनी है, इसके ऊपर चले गए आप, पैसा लगा दिया 7-8 लाख रुपए, तो क्यों लगा दिया इसके ऊपर इतना पैसा, क्या खूबी थी इसके अंदर ऐसी मतलब जो आपने पैसा लगा दिया? अजी महिंद्रा तो कच्चे में स्लिप मारो जा ट्रोली बिगाड़ नहीं पाता, और ये जो है ट्रोली को आगे खींचे पीछे नहीं हटाता बिल्कुल भी, मतलब दबने वबने का भी कोई दबने का कोई चांस नहीं है जी। महिंद्रा से बढ़िया लगा आपको? महिंद्रा से बढ़िया लगा जी। अच्छा, मतलब आपका किस चीज का काम है? मारा है जी बुस पुराली का काम। बुस पुराली में से मतलब रोड पे चलाते हो आप? रोड पे चला रहे जी। तो ये तो रोड पे तो महिंद्रा दसता ही नहीं, रोड पे तो बढ़िया खेत में, कच्चे में खेत में तो ट्रोली लानी पड़ा जी काड़ के। अच्छा, खेत में तो ट्रोली में उसमें धस जा था, उसमें धस जा। कितना लोड भर रहे हो आप ट्रोली के अंदर? हम इसमें 150 क्विंटल भरे जी। 150 क्विंटल जी। अच्छा, और जैसे आपने ये लिया इसको कितना टाइम हो गया? एक महीना हो गया पूरा? एक महीना होगा जी, 5 मार्च को लिया था जी। 5 मार्च में लिया था आपने? तो सब मतलब हर आदमी है, मतलब जो भी जैसे मेरे पास में कोई से ट्रैक्टर हो तो मैं सिर्फ बड़ाई करूंगा, बड़ाई करें मतलब किसान हो सभी बड़ाई, जो भाई किराया काम कर रहा है वो भी बड़ाई करता है उसकी। मुझे इसकी कमी बताओ, मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर कमी क्या लगी, मतलब सच बताना बिल्कुल, मतलब एक जैसे किसान देख रहे ना, वे भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो साथ मतलब स्वराज के फैन है, मतलब अपने चैनल के साथ में जो जुड़े होते हैं सारे किसान भाई, तो इसकी अच्छाई नहीं पूछनी मेरे को, अच्छाई तो इसमें बहुत सारी हैं, कमी बताओ कि आपको एक महीना हो गया चलाते हुए, 63 घंटे कुछ चला दिया आपने, कमी क्या लगी सेक्टर के अंदर आपको? हमें तो कमी कुछ नहीं लगी जी, फिलहाल तो इस रिपर पर चला के देखेंगे जी। रिपर में चला अभी तक? रिपर पर चलाया नहीं अभी। मतलब अभी तक किस किस चीज पे चला आपने? बस ट्रोली पे चलाया जी। मतलब लोड वाली जो ट्रोली है? हाँ जी, डबल जोड़े पे चलाया। उसमें कुछ कमी लगी? इसमें कोई कमी नहीं लगी जी। मतलब महिंद्रा तो मेरे हिसाब से जो महिंद्रा की अगर आप बात कर रहे, पहले कौन ट्रैक्टर चला रहे थे इससे? इससे पहले चला रहा था जी मैं स्वराज 834 स्वराज जी, उसे ही देख के लिया है, मतलब उसके चलाने पर वो भी अंगा बहुत बढ़िया लगा हुआ है। अच्छा, और एक ट्रैक्टर शायद आपके पास महिंद्रा भी है? एक महिंद्रा है जी 575। अच्छा, तो उसकी बिजली जी भाग जा जी, क्या नाम ले रहा है,
जब कच्चे से मैं चलावानो थे तो बिजली से भाग जा उसकी साला बंद हो जा, मतलब दब जाए एकदम तक, दब जा जी वो दिक्कत है, दबता नहीं बिल्कुल भी, दबता नहीं है। स्वराज ट्रैक्टर देखो बताऊंगा आपको, एक फर्क और भी हो सकता है उसके अंदर कि मतलब जैसे महिंद्रा 575 है वो 45 एचपी का ले रही है आप, वो 47 एचपी एक्सपी प्लस नहीं आपके पास में है, वो 45 एचपी वाला ट्रैक्टर है आपके पास, और ये है 52 एचपी में, तो 7 एचपी का फर्क है क्या? 575 जितना था हमारा 834 लगा जी, लगा था जोर 39 हॉर्स पावर में वो। एक चीज और बताओ सच्ची, 575 चला रही है 45 एचपी, कितने किलोमीटर जा करो आप, मतलब जैसे लोड भर कितने किलोमीटर से डालने जा करो? हमारा लोड फेर है जी 400 किलोमीटर का पूरा। 200 जाते हो, 200 आते हो या 100 जाते हो? नहीं 100 ही तो जाते हो, 100 ही तो पड़ेगा आपका यहाँ से। हाँ 200 किलोमीटर है जी लोड फेर, मतलब जैसे जहाँ से आप चले गए, जैसे आप यहाँ से चले लोड भर के 100 किलोमीटर जाओ, 100 किलोमीटर आओ, हाँ 200 किलोमीटर हो गया ना, 200 किलोमीटर में महिंद्रा 575 कितने पैसे का तेल खा लेता है? वो जी 4000 रुपये का तेल खावा, जो 4500 रुपये का तेल खावा लोड फेयर में। तो ये तो फिर मैं, ये तो उससे बेकार है, फिर 500 रुपये फालतू ले रहा, 500 रुपये का तेल फालतू खा रहा जी, क्या नाम ले रहा है, उससे ज्यादा भी तो काम कर रहा है वो। क्या काम ज्यादा लगे भाई, माने चलो ट्रोली छोड़ता तो नहीं, अच्छा ट्रोली बढ़िया खींचा है, नहीं होने देता है बिल्कुल भी, मतलब वो छोड़ता है, वो छोड़ता है जी। अच्छा ये इसलिए बढ़िया, उसे उसका क्या दूसरा लगाना, मतलब जैसे एक बिंदा चला आपने सच, मतलब मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, मैं मतलब कुछ कैसे ऐसे भी किसान भाई हैं जो मतलब बिल्कुल दिल से फैन है स्वराज के, मैं बुराई किसी की नहीं करता, मैं तो ये सच्चाई पूछना चाह रहा क्योंकि किसान ही देखते हैं अपने चैनल, सारे किसान ही जुड़े हुए हैं, एक तो कमी लगी होगी इस ट्रैक्टर के अंदर कि भाई इस ट्रैक्टर के अंदर एक कमी है कि भाई ये इसमें मजा नहीं आ। मुझे तो आज लो कोई कमी नहीं लगी जी स्वराज ट्रैक्टर में, स्वराज में कुछ किसी को लगती हो तो मैं कहता नहीं, सर्विस महंगी हो इसकी, सर्विस करवा रहे जैसे आप सर्विस महंगी पड़ती हो आपको, 834 चला रहे थे पहले भी आप, बस सर्विस तो क्या नाम ले, तेल के ऊपर बात है जी, 8.5 लीटर पड़ा इसके अंदर, हाँ जी हाँ, और 1 लीटर उसमें पड़ा मतलब एयर क्लीनर के अंदर, 9.5 लीटर हो गया, तो ये तो फिर तो नॉर्मली आओगी सर्विस सबके सबकी बराबर ही आओगी, सबकी बराबर है जी, वो तो इसमें तेल फालतू गिरा है बस, वैसे ही पैसे पड़ जा। भाई साहब जो महिंद्रा 575 है ना वो 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और ये तीन है। वो इससे ज्यादा मतलब भाग भी लेगा ज्यादा इससे रोड पे, और इससे ज्यादा मतलब हंगा भी लगाने की उम्मीद है उसकी कि इससे ज्यादा हंगा लगा देगा, क्या कहते हो आप? रोड पे भाग सके जी वो, रोड पे कच्चे में आज तक कोई महिंद्रा ट्रैक्टर पास नहीं हुआ जी, कच्चे का मतलब कच्चे का मर्द नहीं है वो, नहीं बिल्कुल नहीं है, मतलब सड़क का सड़क का है जी। जैसे किसान देख रहे हैं आपको, बहुत सारे किसान हैं अपने पास में, मतलब सारे भाई जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे स्वराज है ट्रैक्टर भाई साहब, आज के टाइम में कुबोटा भी मार्केट में आ चुकी, जापानी टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन ट्रैक्टर है, साइलेंट है बिल्कुल, जैसे आपका किराया काम है उसमें क्या है कि ट्रैक्टर आवाज़ बहुत करते हैं, इनकी आवाज़ ज़्यादा है, तो साइलेंट क्यों लिया आपने, मतलब बिल्कुल साइलेंट ले लेते, कुबोटा ले लेते, सोलिस ले लेते, बहुत सारी कंपनी जॉन डियर ले लेते, मतलब कम से कम शांति में ट्रैक्टर चलाते बहुत आराम से, दिक्कत नहीं आती आपको रोड पे जी? सबसे पहली पुरानी कंपनी है स्वराज की पूरे हिंदुस्तान की, तो यही पास रहेगी जी, और कोई कंपनी पास नहीं होने की, मतलब आपने अपना 834 चलाने के बाद ये ट्रैक्टर लिया? हाँ जी। या किसी से और से भी सलाह ली थी कि 744 XT लेना? हमारे पड़ोस में हमारे किराने में बहुत ट्रैक्टर स्वराज चले गए और हम भी स्वराज चला रहे, बहुत बढ़िया मजा दे रहा जी, मतलब कहीं से भी मतलब फैल नहीं करते इस ट्रैक्टर, कहीं से फैल नहीं करते, बहुत बड़ाई हो रही है इस ट्रैक्टर की पिछले मतलब 4-5-6 महीने से, और बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर भी क्या भी है 744 XT, तो मतलब कि कोई कमी नहीं निकली ट्रैक्टर के अंदर, कोई कमी नहीं है जी। और जो किसान भाई आपको देख के लेना चाहते हैं, मतलब ट्रैक्टर लेना चाहते हैं स्वराज का जी, तो उनके लिए मतलब आप ये सजेस्ट करते हो कि भाई स्वराज ले जा, खेती वेती के लिए भी बात करें अगर, या कोई और ट्रैक्टर ले लें, सच्ची बताना। ट्रैक्टर की बहुत बढ़िया चलाई है जी रोटरी में भी इसकी पहले के लो में तो कम चाल है इसकी, बहुत पहले के लो में इसकी चाल बहुत कम है, पहले के लो में तो कम चाल है जी, दूसरे की तीसरे की में बढ़िया चला है जी, दूसरे में मतलब बान मोटा नहीं करा गए? नहीं सही करे जी, सही करे, हाँ अच्छा, तीसरे में कर दिया थोड़ा सा। जिस दिन आप रिपेयर में चलाओगे ना 744 XT को, हाँ जी, तो एक बार मेरे को फोन जरूर करियो, ठीक है जी, इसकी रिपेयर में परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, ये तो रीपर चला भी लेगा, ये हाई लो में है ट्रैक्टर, ये हाई लो में है जी, हाँ तो रीपर तो हाई लो में चलने का नहीं, क्योंकि हाई लो मीडियम चीज है, तो नहीं जी हमने कंपनी में बात करी थी, मैंने कह रहे थे बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा अभी हम इसे ले गए नहीं, फिर हम 855 ही लेना आए थे, 855 लेना आए थे, तो उन्होंने कहा कि अलग रीपर है बहुत बढ़िया, नहीं अगर 855 खींच रहा रीपर लो में, अच्छा
तो ये भी सेम खंजा, क्योंकि 855 तो बढ़िया चाल है इसकी, 855 से तो कहीं ज़्यादा बढ़िया चाल है इसकी, और काम भी इतना ही है, बराबर सी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मेरे हिसाब से जो रीपर चला रहे हैं अपने भी बहुत सारे टच में लोग हैं, वो हाई लो मीडियम यूज़ करते हैं, हाई लो मीडियम का ट्रैक्टर यूज है, हाई लो में ट्रैक्टर हाई लो में है ना, तो इस वजह से पूछ रहा आपसे मैं। तो तेल जैसे 5 लीटर फालतू खरा है महिंद्रा से उसी सेम चक्कर में, तो उसकी मतलब दिक्कत नहीं आपको कुछ भी, तेल जैसे महंगा हो रहा? कोई दिक्कत नहीं आई जी, यो बेइज्जत नहीं करवाता, बस कुल मिलाकर बात ही है, यो बेइज्जत नहीं करवाता, बेइज्जत नहीं करवाता, इसलिए संतुष्टि मतलब 5 लीटर फालतू खवा लोगे। और दूसरे ट्रैक्टर हमारी साथ में जा रहे महिंद्रा लेके जावे, जहां से माल उठावे, तो वहां से हमारा ट्रैक्टर केला ही पाड़ के लिया हुआ ट्रोली को। अच्छा जी, हाँ जी, ये 744 और महिंद्रा के आगे हमें टोचन करनी पड़े। अच्छा, टोचन में जोड़ना पड़ा है कुछ ना कुछ ट्रैक्टर उसके आगे, जोड़ना पड़ा है, नहीं बंद हो जाओ, ये दिक्कत है थोड़ी सी, इसी वजह से आप 744 XT पे गए। तो पूरे सेटिस्फाई हो आप इस ट्रैक्टर से, पूरे संतुष्ट हो? हाँ जी, पूरे संतुष्ट है, मतलब कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं ट्रैक्टर में? दिक्कत नहीं। दो बढ़िया सी खूबी बताओ जो आपको सबसे अलग लगी इस ट्रैक्टर में, कि भाई ये चीज मैं देखूँ इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे बढ़िया चीज लगी, इतना दिल खुश हो जाता है आपको इस ट्रैक्टर चलाने से। दो खूबी बताओ इसकी बढ़िया, जो किसानों को अच्छी लगे, बताओ जी दो चीज। तो इसका जो पीटीओ क्लच है वो बहुत बढ़िया लगा जी। अच्छा, और एक इसका जो हंगा है उसका कोई तोड़ नहीं है जी। अच्छा, मतलब किसी भी चीज में डाल लो, किसी भी चीज में डाल लो, ट्रोली पर डाल लो, रूटरी पर डाल लो, हैरो पर डाल लो, मतलब किसी भी चीज पर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चला जी, बहुत बढ़िया जम का चला बढ़िया। तो दोस्तों ये थी आज की, पूरी कोशिश कर ली मैंने किसान भाई से मतलब कि ये कंफर्म कराने की, भाई एक कमी बता दो, पर एक कमी बताई भाई ना, क्योंकि एक महीना हो गया, एक महीने के अंदर किसान थोड़ी बहुत जितनी भी कमी उसे लगती है वो सारी चीज़ क्लियर कर लेता है, तो मतलब बट इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसी कमी लगी, और बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया। एक महीना हो गया, 63 घंटे चला चुके, अभी रीपर पर भी चलाऊंगे इसे, अभी तक ये ट्रोले में चल रहा, 63 घंटे कुछ मिनट चल चुका ट्रैक्टर, पहली सर्विस भी हो चुकी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया बताया, 5 स्टार है 744। वीडियो कैसी लगी एक बार अच्छी तरह, जिस भाई ने पूरी वीडियो देखी तो भाई की बात से कितने संतुष्ट हैं आप, उसके लिए कमेंट जरूर कर बताइयो, और जो भाई नए चैनल पर जुड़ रहे तो सब्सक्राइब कर लियो। नमस्कार दोस्तों।